नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम क्लास 11th एग्री बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 1, जिसमें हम जीव विज्ञान हमारे चैप्टर का नाम है और जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान की शाखा है। हम इन टॉपिक का आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास इंट्रोडक्शन के तौर पर होगी। हमारी टोटल जीव विज्ञान की 8 शाखाएं हैं, हम उन 8 शाखाओं के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम जो बात करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, जीव विज्ञान बायोलॉजी, तो इसकी जो परिभाषा जो है इसकी परिभाषा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिखिए मेरे साथ में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों की उत्पत्ति, ओरिजन, विकास, सजीवों की उत्पत्ति, विकास, संरचना, स्ट्रक्चर तथा विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों की उत्पत्ति, उनका विकास, उनकी संरचना और इससे रिलेटिव प्रक्रम का जो अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जिस शाखा में हम उत्पत्ति, विकास, संरचना और विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, कुल 8 शाखाएं होती हैं। आपकी बुक में भी दे रखा होगा, आपने बुक में भी पढ़ रखा होगा, तो आई होप आपको पता होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, कुल 8 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 जो शाखा है उसका नाम है जंतु विज्ञान।
नंबर वन शाखा का नाम है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा जूलॉजी कहते हैं। इसमें लिखना है हमने जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान कहलाती है, जूलॉजी हम कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी इसका नाम है। विज्ञान की, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। आपको फिर से मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, आप आराम से लिख दीजिएगा कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। बात क्लियर है, इसे हम जूलॉजी कहेंगे। नंबर दो शाखा है वनस्पति विज्ञान। इसे हम बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटनी। वनस्पति विज्ञान में सेम टू सेम जूलॉजी की तरह केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अगली नंबर तीन शाखा है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। आप लिख देना, सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों अर्थात विषाणु जीवाणु व माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा
आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बात क्लियर है यहां तक बच्चों आपको? नंबर चार है शाखा। आकारिकी जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो आकारिकी में हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें किसी जीव की बाह्य आकृति किसी जीव की बाह्य आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसे हम आकारिकी कहेंगे। कोई जीव है उसके हम बाह्य आकृति और संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को या उस शाखा को हम आकारिकी कहेंगे। बात क्लियर होगी यहाँ तक आपको? नंबर पांच शाखा आती है शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान इसे हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी जीव की आंतरिक संरचना मतलब उसके अंदर का भाग जब हम पढ़ते हैं तो उस शाखा को हम कहेंगे शरीर रचना विज्ञान। आई होप बात क्लियर होगी यहां तक। हमने कुल पांच शाखाओं के बारे में बात कर ली। तीन और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगली शाखा है नंबर छः जिसका नाम है भौतिकी। भौतिकी में क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को हम भौतिकी कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगली शाखा है
नंबर सात, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहते हैं इसे। इसमें भी सेम एज इट इज ही है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तथा इनकी संरचना व कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकांगों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम कोशिका विज्ञान कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, सेल्स होती हैं, उनकी संरचना, स्ट्रक्चर व कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। अगली शाखा है नंबर आठ, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे लक्षणों का अध्ययन किया जाता है ऐसे लक्षणों का सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या स्थानांतरण करते हैं तो इसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए जेनेटिक्स की परिभाषा तो आप लिख सकते हो आराम से। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने बात की जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।